तो दोस्तों आज भारत और फ्रांस को लेकर एक बहुत ही बड़ी और जबरदस्त खबर निकल के सामने आई है और 24 ही घंटों के अंदर कुछ ऐसा खेला हुआ है जिससे अब फ्रांस को भी डर लगने लगा है कि कहीं भारत आगे चलकर फ्रांस के साथ बड़ी डील कैंसिल ना कर दे और जो पूरा पासा है वो भारत के पासे में पलट चुका है। वैसे आप सभी को बता दूं कि भारत के अंदर विदेश मंत्रियों की बैठक में फ्रांस की जो विदेश मंत्री हैं कैथलीन किलोना वो भारत की यात्रा पर आ चुकी हैं और G20 के विदेश मंत्रियों में भारत के समर्थन के लिए फ्रांस ने अपने विदेश मंत्री को फाइनली भारत भेज ही दिया है। परंतु आप सभी यह मत समझ लेना कि G20 शिखर सम्मेलन के अंदर फ्रांस अब भी रूस को लेकर भारत के ऊपर दबाव नहीं डालेगा। फ्रांस का जो स्टांस है वो अभी भी भारत के ऊपर बना हुआ है कि भारत G20 की जितने भी बैठकें हो रही हैं उसमें फ्रांस का साथ दे और रूस की कड़ी आलोचना करे रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर। वैसे आप सभी को मैंने कल ही एक वीडियो बनाकर बताया था कि फ्रांस की तरफ से 7 सालों तक भारत के साथ बातचीत करी गई, परंतु फ्रांस अपने इंजन कोर की तकनीक भारत को नहीं देना चाहता। साथ में फ्रांसीसी कंपनी करीब 18 से 20 हजार करोड़ का खर्चा भी मांग रही है भारत से, तब जाकर भारत के लिए अपना इंजन बनाकर फ्रांसीसी कंपनी तैयार करेगी। पर दोस्तों 24 घंटे के अंदर भारत कुछ ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिससे फ्रांस की जो चेतावनी है वो अब चिंता में बदल चुकी है और फ्रांस को भी चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत हमारे विवाद के चक्कर में कोई बड़ी डील हमसे ना छीन ले। दरअसल अभी जो इंडियन नेवी है वो अपने लिए नए 26 फाइटर जेट खरीदना चाहती है जिसमें फ्रांस का रफाल और अमेरिका का F/A-18 सुपर हॉर्नेट भारत की इंडियन नेवी के लिए कम्पीट कर रहे हैं और इस टेंडर का जो विनर है वो इंडियन नेवी इसी महीने के अंत तक या फिर अगले महीने की शुरुआत में घोषित करने जा रही है। जी आप सभी ने सही सुना, यह खबर पूर्णतः सच्ची है। पिन कमेंट में आपको आर्टिकल का लिंक दूंगा, वहां से आप इस न्यूज को आसानी से पढ़ लेना। और दोस्तों यही फ्रांस का सबसे बड़ा बीपी बढ़ाने वाली खबर है क्योंकि अचानक से भारत इंडियन नेवी के लिए 26 नए फाइटर जेट लेने जा रहा है जिसकी कीमत करीब $5 बिलियन के आसपास की है और इसमें रफाल एम भारत को करीब 1500 करोड़ के आसपास में पड़ रहा है। वहीं पर जो अमेरिका का F/A-18 सुपर हॉर्नेट है वो 1000 से 1200 करोड़ पर एयरक्राफ्ट के हिसाब से भारत को पड़ेगा। हालांकि जीतने के चांसेस रफाल मरीन के ही है, परंतु भारत और फ्रांस की जो संबंध है वो यदि किसी भी प्रकार से डगमगाते हैं तो यह जो डील है वो फ्रांस के हाथ से भी निकल सकती है। पर आप सभी किस टॉपिक के अंदर क्या राय है और फ्रांस हमारा भरोसेमंद साथी है तो क्या हमें फ्रांस के साथ फाइटर जेटों की डील करनी चाहिए, हाँ या फिर ना, कमेंट बॉक्स में पूरी आप इस चीज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।